अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं भुनी हुई चॉप्स। उसके लिए हमें चाहिए ये प्याज है, बड़ी साइज़ के प्याज मैंने 2.5 लिए हुए हैं। जिंजर 2.5 इंच का पीस चॉप किया हुआ। गार्लिक लहसुन तकरीबन 8 से 9 क्लोव चॉप किए हुए। बघार के लिए हमें चाहिए 4 अदद इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून भरकर ब्लैक पेपर साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा, 15 से 20 लाल गोल मिर्चें। ये ऊपर डालने के लिए हमें चाहिए तो जूलियन, 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक, नमक 1 टीस्पून है बट फिर बाद में चख के अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी तो डाल देंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून क्रश रेड चिलीज, ये थाईलैंड वाली है, ये बहुत स्पाइसी होती है इसलिए, और तकरीबन 2.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा योगर्ट दही। और मेरे पास ये चॉप्स है 475 ग्राम्स है ये। ठीक है जी, चले जी हम अब इसको सालन बनाने की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, अब हम चॉप्स बनाने की तैयारी करते हैं कुकिंग की। सो हम लेंगे तकरीबन 1/2 कप ऑयल, ये बहुत गाढ़ा नहीं होगा शोरवा, और बहुत थिन भी नहीं होगा और बहुत थिक भी नहीं होगा, ये एक प्रॉपर ग्रेवी होगी और बहुत लिक्विड ही नहीं होगा, थोड़ी सूखी ग्रेवी बनेगी। तेल गरम हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हम उसके अंदर डालेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, इलायची, लौंग और ब्लैक पेपर। ये सारी चीज़ें डाल के हल्का सा ये होगा, इसके बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। हम अब प्याज डालेंगे, हमारा ये बघार हो गया, हम प्याज डालेंगे। प्याज डाल के हमने इसको थोड़ी देर भूनना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसको रखें ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें प्याज किस तरह से काटने, नॉर्मल पतले मोटे कोई से भी काट सकते हैं। इस तरह से प्याज जल्दी घुल जाते हैं क्योंकि हमने इसको घोलना ही है, प्याज घुल जाने तक हमने इसको भूनते रहना है चॉप्स को। हमारे प्याज इतने से थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो गए, अब हम इसके अंदर जिंजर और गार्लिक डाल देंगे सारा, और इसको भी थोड़ा सा स्टर करेंगे थोड़ी देर
ताकि इसका भी फ्लेवर रिलीज हो। फ्लेम बहुत तेज आंच पे नहीं रखना है, हमने मीडियम पे रखना है। इसके अंदर काली मिर्च और लाल मिर्च का ही फ्लेवर होगा साबुत वाली। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है। और ये जो मेरे पास ब्लैक पेपर है वो पाउडर ब्लैक पेपर, मगर ये क्रश है, ये बिल्कुल पाउडर वाला नहीं है, और ये भी घर का क्रश किया हुआ है तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब ये इतना हो गया, अब मैं इसके अंदर आधा नमक अभी डालूँगी, आधा बाद में डालूँगी। तो हम डाल रहे हैं आधा आधा नमक, जो हमने एक टीस्पून निकाला था उसमें से भी आधा, मीन्स हाफ टी स्पून जितना हम अभी डाल देंगे। ये देखें हमारा प्याज और जिंजर इतना और गार्लिक इतना हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इसके अंदर चॉप्स डाल देंगे, जो हमारे पास है 475 ग्राम्स। इसमें हमने आधा नमक डाल दिया है। अब हम इसको भूनेंगे। जब ये बन के रेडी होगा तो ये पूरे प्याज जो अभी साबुत साबुत नजर आ रहे हैं वो सारे प्याज मैश हो चुके होंगे। इसमें प्याज इसीलिए ज़्यादा होते हैं बिकॉज कि इसका जो ग्रेवी बनती है वो प्याज की ही होती है, बट ये इतना मीठा नहीं होता और इतना खट्टा भी नहीं होता क्योंकि इसमें योगर्ट भी जाता है। अब बस हमें थोड़ी देर इसको ऊपर नीचे करने के बाद इसके अंदर ये लाल वाली मिर्ची हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको थोड़ी देर स्लो फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे ताकि चॉप्स और प्याज के पानी में ये खुद ब खुद कुकिंग स्टार्ट कर दे गोश्त अपनी। तो हम इसके अंदर ये लाल वाली मिर्ची भी डाल देंगे। ये जिंजर हमने ऊपर डालना है तो हम इसको बचा के रख लेंगे। ये देखिए हमारा ऐसा लग रहा है कि तेल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, भून रहा है मसाला। इसका जो प्याज का जो पानी था वो लिटिल लिटिल हमें ड्राई फील हो रहा है, तो हम इसको स्लो फ्लेम कर देंगे और ढक देंगे। तो ये चॉप अपना पानी छोड़ेगी और इसमें ये स्लो फ्लेम पे खुद ब खुद कुक होगा। ठीक है जी, अब हम इसको ढक देंगे और कुक करेंगे। बीच बीच में थोड़ी देर चलाते रहेंगे कि कितना चॉप्स हुआ है कितना नहीं, बाद में हम थोड़ा सा भी पानी ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कितना ये हुआ है हमारा
देखो ये इसमें ऑलरेडी पानी मतलब सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है, और ये गोश्त और चॉप्स का पानी जो निकला हुआ है उसमें ये पकेगा। तो इसको इसी तरह से पकने दें और तकरीबन 10-15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या पोजीशन है। ठीक है जी, ये देखें तेल ऊपर, तेल पूरा अलग हो गया है और हमारा मसाला भी भुन गया है। अब हम इसमें चॉप्स को चेक करते हैं कि ये गला नहीं गला। यस, ये गल चुका है। अब हम इसमें पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला थोड़ा सेपरेट हो। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है पानी। देखो सारा प्याज भी गुल चुका है। हम थोड़ा और पानी डालेंगे। ये देखिए मसाला हमारा कितना अच्छे से, प्याज सब घुल गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो योगर्ट है वो 2 टेबलस्पून जितना हमारा योगर्ट है वो डालेंगे। योगर्ट डाल के ऑलवेज फ्लेम स्लो कर दे और इसको थोड़ी देर चलाते रहे चमचा, ताकि इसमें गुठलियाँ या कर्डल जो होता है वो नहीं बने और इसकी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ रहे। योगर्ट बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें ये कर्डल बनने के चांसेस नहीं है क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर और ये हमारी क्रश रेड पेपर। ये नमक डालने से पहले पहले हम मसाला चखेंगे, उसके बाद हम नमक डालेंगे। हालांकि हमने आधा ही टीस्पून डाला है, फिर भी पहले चखेंगे फिर डालेंगे। वैसे हम थोड़ा नमक कम खाते हैं, सो शायद आपको लगे कि नमक बहुत कम है, बट आप अपने टेस्ट के हिसाब से या टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दीजिएगा। चाहिए हमें थोड़ा सा नमक, तो मैं फिर भी इसका आधा डालूंगी, फिर भी पूरा नहीं डालूंगी। तो अभी तक हमने डाला है 1/4 टीस्पून नमक टोटल, अभी भी हमने 1/2 टीस्पून जितना बचा लिया है। अब हम अगेन इसको हल्का सा पानी डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना, और फिर क्योंकि हमें इतनी टोटल ग्रेवी चाहिए डन होने के बाद। सो अभी हमने योगर्ट को इसमें कुक करना है और अभी जो हमने मसाला डाला ब्लैक पेपर और रेड पेपर उसको, तो उस लिए थोड़ी सी देर बॉईल होगा, इसलिए हमने पानी डाला ताकि ये हमें इतनी ग्रेवी एटलीस्ट मिले उसकी। ठीक है, अब हम इसको तकरीबन बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक ढककर रख देंगे, फिर हम देखेंगे कि ये कैसा बनता है।
अब हम देखते हैं 3 to 4 मिनट के बाद हमारा चॉप्स, भुना चॉप्स रेडी हो चुका है। अगेन हम नमक चख लेते हैं, अगर नमक, हमें इतनी ग्रेवी चाहिए, अगर नमक कम होगा तो हम अभी डाल दें, इसलिए हम अभी चख लेते हैं। हल्का सा चाहिए, मैं ये पूरा नहीं डालूंगी, इसका भी थोड़ा सा डालूंगी, बस पिंच जितना हम डालू मैं डालूंगी। टोटल इतने इतनी ग्रेवी में मेरे लिए मेरा नमक गया तकरीबन 1 टीस्पून में, पिंच जितना कम। ये हमारा भुनी भुना चॉप्स रेडी है, भुनी चॉप्स रेडी है। हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर इसको फाइनल लुक दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये हमारा सालन रेडी हो गया, फाइनल लुक इसका, भुनी हुई चॉप्स हमारी रेडी है। जो ये हमारे पास जिंजर जूलियन मैंने हमने करके रखा था, मैंने इसके ऊपर डिश आउट करते हुए स्प्रिंकल कर दिया है। आई होप कि आप कोई बनाए तो आपको ज़रूर पसंद आए।